हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं दावत पर। मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट ले लूं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अजान के इसे पता लग गया कि हम बाहर जा रहे हैं और अब इससे सबर नहीं होता, लेट हो रहा है, गाड़ी में मिलते हैं आपसे। ये ना हम इधर खड़े हो गए मरी मुजफ्फराबाद और बरकू के दरमियान बाईपास जो है। हम अभी सो देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, मरी के साइड पर या इस साइड पर। इस टाइम इतना प्यारा व्यू है बाहर का और ये ना मरी का रास्ता है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये नया रास्ता जी, ये नया रास्ता है, बहुत ज़्यादा प्यारा है और साफ सुथरा है। ये नहीं, नहीं। इनकी मैचिंग मैंने की है, अभियान और अफनान की मैचिंग की है। और ये कितना खूबसूरत रास्ता है जहाँ पर हम अब हम तारी करेंगे ना, फिर वहीं पे मिलेंगे आपसे, ठीक है। कितने प्यारे घर है, खूबसूरत। और ये ना न्यू रोड बना है बरकू के लिए, मरी के लिए। पहले ना सारी सारा टूटा फूटा था एक साल पहले जब हम मरी गए थे उतार के लिए, पहले बरकू बाजार से गुजार के जाना पड़ता था। हाँ, अभी ना ये इस तरह दूसरा रास्ता बना है, अलग रास्ता। अब मरी पे ना कोई रश पश नहीं होगा बरकू के रास्ते पे, बस डायरेक्ट मरी के लिए अपने कल्चर। और अच्छे प्यारे प्यारे घर हैं और बादल भी आए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ये इतना ऊपर है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहा है। इस तरह तो लग ही नहीं रहा कि आप पाकिस्तान में। ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना है, ये देख सकते हैं। अफ्तारी तो हम लोगों ने कर ली है, हम गाड़ी से उतर गए हैं और जो है ना चाय पीने के लिए ढाबा है। और ये बच्चे, इन लोगों ने ना पटाखे लिए, मुझे तो बहुत डर लगे। उबान है, ये यूट्यूबर है उबान। अच्छा, यहाँ पे चाय बनती है, समोसे वगैरह सब फ्राई होते हैं और यहाँ पे रोटी बनती है इनकी अंदर सारा। ये इनका अंदर सिटिंग एरिया, वहाँ पे खाने वगैरह बनते हैं, आटा वगैरह भी भुना जाता है और बर्तन भी यहाँ पे धोले जाते हैं। और ये सिटिंग एरिया है और मैं साथ में चाय भी पी रही ये मेरा भांजा है माशाल्लाह से, और ये नुमान और असलान है। और इनके पर मेरे खावन से बड़ा है नहीं, ये माशाल्लाह से 16 साल का है। और बाहर ना सब लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे जो है ना पटाखे चला रहे हैं। और इनको ये जो ढाबे वाले भाई साहब है ना, ये लोग हैरान परेशान है कि ये कौन सी आफत आई है यहाँ पर और इतने सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम अफ्तारी से घर जा रहे हैं, तो ये बरकू का नया बाईपास। अजलान सो रहा है। अच्छा, कैसी थी अफ्तारी? बहुत मज़े की थी, इतनी ज़्यादा मज़े की चीज़ें बनी थी ना और सब कुछ ज़बरदस्त एवं था। ये मेरी बहन की नंद ने अफ्तारी की थी हमारे लिए और इतनी वो एक्सपर्ट है ना कुकिंग में कि बस क्या बताऊँ। लबी शरी बहुत मज़े का था, वो मेरे ब्लॉग देखती है तो उसका बहुत बहुत थैंक यू इतनी प्यारी सी अफ्तारी के लिए। और बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया, कीमा और कलेजी वो तो जबरदस्त, सारी चीजें जबरदस्त थी, सब कुछ तब। पर मैं वहाँ पे ना मुझे शर्म आ रही थी, मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। उसने कहा था ये सब चीजें तो मतलब मैंने इसी वजह से की थी पहले से सेटिंग की, तुम ब्लॉग बनाओ तुमने ऐसे क्यों किया, वो नाराज हो रही थी। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे शर्म आ रही थी कि ये देखो कैमरा उठा लिया। कहती है नहीं इस वजह से तो मैंने सारी सेटिंग की है। चलो खैर नेक्स्ट बार इंशाल्लाह।
और रोड कितना अच्छा लग रहा है ना, बाईपास रोड है ये अभी बना है, मतलब 3 साल इसके लगे हैं बनने में और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। को देखे ये ना मुझसे मोबाइल ले रहा है और इतना, जब मैं इससे ना हम मोबाइल हटाती हूँ इतना शोर करता है ना, और अपने आप किस तरह हाथों हाथों से ना मारता है कि मुझे मोबाइल दे दो। ये अब देखो ना ये छीन रहा है, ये वीडियो बनाने नहीं दे रहा। आज इसने बहुत परेशान किया इसलान ने, और लोग जो है ना जा रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं शॉपिंग करने, और आज तो हम देर से निकले हैं शॉपिंग करने, 10 बजे का टाइम है तकरीबन, और इतनी रश नहीं होगी आज। और ये हम पहुंच गए कराची कंपनी, सबसे पहले हम आए कराची कंपनी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश पश होता है, तो हमने सोचा पहले यहाँ की शॉपिंग ना निपटा देते हैं। और ये देखिए ना ये पहचान मॉल है, इतना प्यारा सजाया हुआ है, सारे बैलून्स लगाए हुए, ये ईद की रंगीनियाँ है, ये ना देख सकते हैं ना बैलून वगैरह लगाया हुआ है, ये ईद के लिए ऐसे ही सजाते हैं। और अभी भी रश है पर उतना नहीं है जितना अक्सर होता रहता है। अब यहाँ पे कराची कंपनी में इस तरह के सारे स्टॉल लगे होते हैं, आज मैं आपको ना ज़रा तफसील से विज़िट करवा दूँ कराची कंपनी। किस किस को पता है कराची कंपनी इस्लामाबाद में, किसने देखा है और किसने नहीं देखा? हम तो अक्सर जाते रहते हैं कराची कंपनी। हाँ का जन्नत मॉल, इसमें ना सारी बाटा डियोर सब कुछ है यहाँ पर। और ये ना कितना ज़्यादा रश है, ये देख सकते हैं ना, ये तो अभी इतना मोबाइल में पता नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये लोग इतने लोग हैं ना, और पार्किंग ही नहीं मिल रही। वो गली देखें कितनी भरी हुई है सारी, ये सारी स्टॉल लगी हुई है जूतों के, कपड़ों के, पर्स के, बैंगल्स के, और बाइक्स देखे कितनी ज़्यादा बाइक खड़ी हुई है, लोग बाइक पे मतलब हर एक चीज़ पे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हर एक सवारी यूज़ की है सब ने, आइसक्रीम सवारी भी, ये आइसक्रीम इस वाले इसकी भी कमी थी। हाँ यहाँ की खजूरें, ये फ्रूट और लोगों का रश, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर ना उतर पाएंगे क्योंकि इतना रश है कि गाड़ी ना हम पार्क नहीं कर सकते, और ऊपर से अजलान भी छोटा है तो मुश्किल है कि हम आज इधर आ जाएं। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं, अगर पार्किंग मिल भी गई तो देखते हैं कि उतरते हैं कि नहीं। ये ना अभी हम शॉपिंग कर ली और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, और मेरे साथ अजलान था और ये सो गया था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अब यहाँ लोगों से कहा यहाँ से स्क्रीन लेते आओ मेरे लिए।